जय जय श्री श्री राम राम दोस्तों। दोस्तों 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 समाधान समाधान प्लस प्लस चैनल चैनल में में आपका आपका स्वागत स्वागत है है और और आज आज हम हम यहाँ यहाँ बात बात करने करने वाले वाले हैं हैं कि कि माँ माँ सरस्वती सरस्वती जी जी को को किस किस तरह तरह के के फूल फूल अति अति प्रिय प्रिय हैं हैं और और कौन कौन से से फूल फूल इनको इनको चढ़ाए चढ़ाए जाने जाने चाहिए। चाहिए। दोस्तों दोस्तों हमारे हमारे हिंदू हिंदू धर्म धर्म में में विभिन्न विभिन्न धार्मिक धार्मिक कर्म कर्म कांडों कांडों में में फूलों फूलों का का विशेष विशेष महत्व महत्व दिया दिया गया गया है। है। हमारे हमारे जीवन जीवन में में फूलों फूलों का का भी भी काफी काफी महत्व महत्व है। है। फूल फूल ईश्वर ईश्वर की की वह वह रचना रचना है है जिसकी जिसकी खुशबू खुशबू से से हमारे हमारे घर घर की की नकारात्मक नकारात्मक शक्तियां शक्तियां भी भी दूर दूर हो हो जाती जाती हैं हैं और और इसकी इसकी खुशबू खुशबू मन मन को को शांति शांति पहुंचाती पहुंचाती है। है। वैसे वैसे तो तो भगवान भगवान भक्ति भक्ति के के बुके बुके हैं हैं दोस्तों, दोस्तों, लेकिन लेकिन हमारे हमारे देश देश में में भगवान भगवान को को प्रसन्न प्रसन्न करने करने के के लिए लिए उन पर उन पर उनके उनके प्रिय प्रिय फूलों फूलों को को चढ़ाने चढ़ाने की की मान्यता मान्यता प्रचलित प्रचलित है। है। दोस्तों दोस्तों कहा कहा जाता जाता है है कि कि भगवान भगवान के के पसंदीदा पसंदीदा रंगों रंगों के के आधार आधार मानकर मानकर उन उन पर पर उन्हीं उन्हीं के के रंगों रंगों के के फूल फूल भी भी चढ़ाए चढ़ाए जाते जाते हैं। हैं। और और यहाँ यहाँ हम हम जानेंगे जानेंगे कि कि माँ माँ सरस्वती सरस्वती जी जी को को किस किस तरह तरह के के फूल फूल अति अति प्रिय प्रिय हैं। हैं। दोस्तों दोस्तों विद्या विद्या की की देवी देवी माँ माँ सरस्वती सरस्वती जी जी को को प्रसन्न प्रसन्न करने करने के के लिए लिए सफेद सफेद या या पीले पीले रंग रंग के के फूल फूल चढ़ाए चढ़ाए जाने जाने चाहिए। चाहिए। और और यही यही सफेद सफेद गुलाब, गुलाब, सफेद सफेद कनेर कनेर या या फिर फिर पीले पीले गेंदे गेंदे के के फूल फूल भी भी माँ माँ सरस्वती सरस्वती जी जी को को बहुत बहुत प्रसन्न प्रसन्न करते करते हैं। हैं। और और इस इस बात बात का का विशेष विशेष ध्यान ध्यान रखें रखें दोस्तों दोस्तों कि कि किसी किसी भी भी देवता देवता की की पूजन पूजन में में केतकी केतकी के के पुष्प पुष्प नहीं नहीं चढ़ाए चढ़ाए जाते जाते और और कभी कभी भी भी किसी किसी भी भी देवता देवता को को बासे बासे फूल फूल नहीं नहीं चढ़ाएं। चढ़ाएं। बासे बासे और और जो जो सूखे सूखे फूल फूल रहते रहते हैं हैं ना ना उनको उनको कभी कभी नहीं नहीं चढ़ाना चढ़ाना चाहिए। चाहिए। इनसे इनसे हमारे हमारे लिए लिए शुभ शुभ फल फल नहीं नहीं मिल मिल पाता, पाता, अशुभ अशुभ ही ही फल फल मिलता मिलता है। है। तो तो दोस्तों दोस्तों यहाँ यहाँ हमने हमने जाना जाना कि कि माँ माँ सरस्वती सरस्वती जी जी को को किस किस तरह तरह के के फूल फूल चढ़ाए चढ़ाए जाने जाने चाहिए। चाहिए। और और आप आप इसी इसी तरह तरह की की और और भी भी जानकारी जानकारी प्राप्त प्राप्त करना करना चाहते चाहते हैं हैं तो तो कृपया कृपया हमारे हमारे समाधान समाधान प्लस प्लस चैनल चैनल को को अभी अभी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर कर लीजिए। लीजिए। और और दोस्तों दोस्तों आपको आपको इस इस वीडियो वीडियो से से कुछ कुछ भी भी सीखने सीखने को को मिला मिला हो हो तो तो कृपया कृपया वीडियो वीडियो को को लाइक लाइक करना करना और और शेयर शेयर करना करना ना ना भूलें। भूलें। अब अब मिलेंगे मिलेंगे इसी इसी तरह तरह की की और और भी भी जानकारी जानकारी लेकर लेकर अगले अगले वीडियो वीडियो में। में। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जय श्री श्री राम। राम।